जिसमें एक तो रोहित सिंह की दरबार है, ठीक है, वो यहाँ से हमारे से 1 किलोमीटर आगे है। बेटियाँ हैं, उसके पोते हैं, पड़ पोते हैं, उनका ख़ानदान ब ख़ानदान जो है जी, वो सारा इधर ही है यहाँ पे। हाँ, रोहित सिंह के 4 बेटे हैं, 3 बेटे उधर एक साथ ही है उनके साथ ही। हाँ, 3 बेटे, चौथा बाप, 4 दरबार है रोजे के अंदर। ठीक है, तो आप यहाँ पे गादी नशीन है? गादी नशीन बाहर ना है। अब ये दरबार जो है ना, ये किन का है? इस दरबार में मज़ारे जो है 2 है। ठीक है, एक जो है मेरे बाबा सिंह की है। ठीक है, एक अनवर सिंह के बाबा सिंह की है। मेरे बाबा सिंह का नाम जो है पलल फकीर। पलल फकीर जी। ठीक, उसका नाम है रहीम फकीर। रहीम फकीर दोनों भाई हैं साथ? वो दोनों भाई नहीं है, चाचा भतीजा। चाचा भतीजा। वैसे गाते कितने लोग गाते भी थे कुछ जो गुजरे हैं आपके जो बड़े? हाँ, काफ़ी बोली कलाम वगैरह ये, और काफ़ी कलाम शायर व शायरी भी खुद भी करते थे। और वो बहुत तकरीबन हमारे दादे की भी ऐसे समझो कि साफ जुबान में तो बोली है इसकी, साफ जुबान। हाँ, फारसी भी उसमें, उसके अलावा हिंदी जुबान भी काफ़ी। मुसलमान होकर जितनी हिंदी जुबान हमारे दादे की है इतनी किसकी भी बोली नहीं है। उनका नाम क्या था? रोहिल फकीर। अच्छा, जो बड़े हैं रोहिल फकीर? बड़ा जो रोहिल फकीर है, जो मेन जो है, बिल्कुल ठीक। बस म्यूजिक का भी था कुछ टाइम पहले। गाते थे आप? अभी नहीं, छोड़ दिया। क्यों छोड़ा आप? बस अभी यहाँ दरबार पे कोई नज़र नहीं है गाने वाले को, फकीर अभी है नहीं है जो गाते हैं यहाँ पे अभी इस टाइम पर, ये गाने बजाने वाला ऐसा। अच्छा, अब आजकल नहीं रहे? नहीं।
ये तो फिर लगता नहीं आपको रौनक ख़त्म हो जाएगी दरबार की, तो म्यूज़िक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रॉयल फिक्र खुद म्यूज़िक के बहुत शानदार काम किया है। फकीर ऐसे होने चाहिए वैसे, क्या ख्याल है आपका? हकीकत है जो गाय यहाँ पे का दो जो रौनक लगा के रखे यहाँ पे, जो लोग मुसाफिर आते हैं उनको सुनाए साईं का कलाम भी। नहीं, को गाने वाले फनकार आ जाते हैं। को नो को तेड़ी बेन ई सब हलन हारा जन के बादशाहों बुलंद जूं, अल्लाह जन के बादशाहों बुलंद जूं, छड़े तविया से बेचारा, छड़े तविया से बेचारा, भिट जो घोट लतीफ चे, अल्लाह लालो लालो लतीफ चे। आप रोहिल फकीर से आप कितनी पूछते हैं उनसे? अभी हमारी जो है ऐसे समझो के दसवीं पुस्त चल रही है। तो रॉयल के बाद ताज किसको मिला? रॉयल के बाद ओ सूफी शाह साईं को। सूफी शाह वो बड़ा बेटा था साईं का, बेटा भी था तालिब भी था, दोनों बातें थी। फिर सूफी शाह साईं के बाद किसको मिला? उसके बाद जो है उसके वो भाई है उसका सूफी शाह साईं का। हाँ जी, क्यों जो उसको अपनी औलाद नहीं थी। औलाद नहीं थी, शादी नहीं किया। शादी थी लेकिन औलाद नहीं थी। लेकिन सरकार के चार बेटे हैं, चारों में दो की औलाद है, दो का ख़ानदान नहीं है, औलाद नहीं है। अभी हम जो भी हैं इधर बैठे हैं ना, ये सारा उस दो का ही ख़ानदान है। रोहित सिंह को तकरीबन हो गया है 3-3.5 साल हो गया। यानी अब्दुल लतीफ भाई के बाद के जी साईं अब्दुल लतीफ से बाद के साईं से भी तकरीबन पहले है। तो खुद साईं रोहिल गरीब थे किसी के? हाँ, किसके? बरगार झोंक शरीफ शाह नायत सही जो भी सूफी हैं सिंध में क्या पाकिस्तान में तकरीबन दरगाह झोंक शरीफ के तालिब हैं। सिंध की धरती में फकीरों को बहुत इज्जत दी जाती है, इनकी बड़ी कदर की जाती है जी। पंजाब में या कहीं और ऐसा नहीं, इसकी क्या वजह क्या है इसकी हो सकती है आपके? हमारे पास भी लोग रहते हैं लेकिन वो सच कदर नहीं करते फकीरों की, सूफियों की जैसे यहाँ पे की जाती है। सिंध को यही तो दुआ है ना, सिंध को दुआ है, सिंध को यही दुआ है जो पीर फकीर का सिंध में कदर है। एक तो ऐसे ही लोग हैं जो पीरों फकीरों के साथ रहते हैं लेकिन उनको मानते नहीं। बिल्कुल ठीक। एक तो ऐसे भी हैं जिनका विश्वास हो जाता है, उस पर ईमान हो जाता है तो नहीं ये काम जो होगा तो मेरा ऐसे ही होगा और यही करेगा, है तो ऐसे। मुरीद का मतलब ये है मोहब्बत रखता है, प्रेम रखता है, मानता है, लेकिन वो तालिब हुआ नहीं, उसने नाम नहीं लिया, जिक्र फिक्र उसने लिया नहीं, सिर्फ उसकी सच्चाई है, उसका ईमान है, मानता है कि उनका मानता है अच्छे लोग। और जो तालिब है ना, तालिब होता है जिक्र फिक्र के साथ, जिसको मुसल कुछ अता भी करता है। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हिंदू भी हैं इसमें, मुसलमान भी हैं? हिंद कोई फ़र्क नहीं है, ना कोई हिंदू का नहीं मुसलमान का, सूफी के यही हैं प्यार प्रेम, किसी से भी मोहब्बत रख करना, उसके फिरके को नहीं देखना, उसके मज़हब को नहीं देखना। हाँ, फिर रोहित सिंह जब तालिब हुए ना, ठीक है, सूफी नायत शेख जी, हाँ शाबाश, तो फिर उसने मुर्शिद पाक ने अमर दिया के अभी तू इधर सेवा ड्यूटी दे तेरी वो छोड़ दे, अभी जाके अपना मकान बना, आस्तना लगा। फिर सरकार ने पूछा हम कहाँ जाए, तो कह उत्तर की तरफ चले जाओ। तो कहते उत्तर का तरफ तो जिधर जाओ तो उत्तर का तरफ ही है।
कहाँ को निशान कोई बात जहाँ जाके लगाएं, तो तुम चले जाओ जहाँ भी किस चीज़ की तरह को रोक हो जाए, ठीक है, रुकावट आ जाए, रुकावट आ जाए तो उसको अमरेला ही समझ के वहाँ अपना आस्थाना बना दे, बिल्कुल ठीक, वो तेरी जगह है। चलते 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 फिर यहाँ अभी जिस जगह पे उसकी दरबार है उधर पहुँचे ना, ये जंगलात थे, बड़े बड़े बेले थे इधर, बड़ा जंगलात थे, तो इधर जब पहुँचे तो ये कंडी का दरख्त जो होता है, ये कोई छोटा सा दरख्त था जैसा जो हमारा दादा यहाँ क्रास किया ना, तो क्रास में वो फंस गया, दरख्त में कपड़े फंस गए, कपड़े उसके जो है ना वो फंस गए, वो फंस गए, तो दादा साहब ने खींचोतान कर करके वो छुड़ा दिया, आगे गोदाम रख लिया तो फिर भी फंस गए, फिर इधर ही वो अपना सामान रख के इधर ही अपना धुआं धुखा के आस्थाना बना दिया। तो फकीर लोग जो हैं नाला वाले तो वो धुआं बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है, वो मच करते हैं, धुआं बनाते हैं, ये एक दो को आए गए तो उन्होंने देखा भाई इधर तो यार पहले भी एक दो बारी हम आए तो इधर कुछ भी नहीं था, अभी ये इधर जो धुआं चल रहा है, आदमी भी बैठा है, ये कौन है, कहाँ का है, कैसे आया है, क्यों आया है, यार चल के आप उधर उससे मिल भी लें और उससे पूछ भी लें, तो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा राज है जो तुम इधर बैठे हो, ये इतना बड़ा जंगलात है, वो जो आए उनको बताया हाल हकीकत की, ये हाल है, ये हवाल है, मैं अपने मुर्शिद पाक के अमर से इधर आया हूँ, उनका अमर मेरे को ये था तो इधर जाके आसन बना के बैठ जा, तुमने सुना, हमने सुना, दूसरों ने सुना, आहिस्ता आहिस्ता जो बात फैल गई, तो मैं भी कहने लगा हाँ भाई यार क्यों ना आज आप भी चलें, चक्कर लगाया, मैं देखे चक्कर लगा के आए, फकीर से मिल के आए, फकीर का दीदार करके आए, उधर जो आते गए बैठे कहचारी होती की, तो फकीर का जाहिर में यही है, इतना प्रेम प्यार मोहब्बत की फकीर की, जो इंसान ना बैठने वाला भी ये बैठ जाता है, कोई एक दो बात सुन लेता, करते 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 तो फिर तो काफ़ी आदमी जो है लोग हैं आते जाते रहे, उसमें के ऐसे भी थे जिनका मोहब्बत हो गया, प्रेम हो गया, तो साईं हम आपके तालिब होंगे, जब कुछ तालिब हो गए तो फिर उन्होंने हमारे दादा साईं को फरमाया, तो यार अभी बात ये है साईं, अभी तुम इधर बैठे हो, बाहर से कोई आने वाला हो, आपसे मिलने वाला हो, आपको देखने वाला हो, कोई गांव नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कैसे पहुँचेंगे, कैसे आएंगे, और कोई ऐसा गांव का नाम रख दो या कोई आस्थाने का नाम रख दो, कोई बात कर लो तो कोई आदमी को आने जाने में आसानी हो जाए, यह बात तुम कहते हो तो हमारे को थोड़ी आबे की ज़रूरत है, आबा पिलाओ हमारे को, पानी सावा पानी, ठीक है, आधा प्याले वाला, ठीक है, बिल्कुल ठीक, मलाई बूटी जो है, बूटी जो है, क्या बात वो उन्होंने हाथ की और उसको रगड़ा लगाया, घोट ली, हमारे दादा साहब को पिलाई, वो पी के बैठे, आदमियों से बोलते रहे, कचारी करते रहे, कचारी करते करते किस टाइम जो उनको ख्याल हो गया और उनकी उनको जला लिया आ गई, तो भांग वाला वो डंडा जो था ना वो साथ में था, हाथ में उठा लिया, अच्छा, उठा के वैसे जोर से वो ज़मीन में दबा दिया डंडे को, हणा थो डंडो थींदो कंडो कंडड़ी थींदी रोयल फकीर जी, उसने बोला कि लगाता हूँ डंडा होगा कंडा,
क्या कहने, बहुत अच्छे कंडली होगी रॉयल फकीर की, क्या बात है, वाह वाह, वो उस डंडे से वो कंडा हुआ, कंडे से कंडली शरीफ, मतलब उसे कंडे से कंडली हो गई, कंडली रॉयल फकीर की कंडे से, क्या वाह। पंजाबी अभी वो कंडा जो था वो शहीद हो गया, उस कंडे की जड़ों से जो है अभी वो माना उसके बचे हुए हैं, जो उनके लगी थी यहाँ पे वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, उसके बच्चे आगे हैं उस जगह पे, उसका दूसरे एक दो माना दूसरे बचे हुए हैं, ऐसे समझो ये दूसरा जन्म हुआ, और वो जो है ऐसे जो ये लकड़ी पड़ी है ना, इससे जो बहुत वो मोटा था, लंबा भी था, अभी तुम देखोगे ना तो आदमी लोग जो मेले में आते हैं, बगैर मेले में आते हैं, जो भी लोग आते हैं उससे वो उसके वो छोड़े जो हैं वो उतार लेते हैं। अच्छा, डंडे से जिसकी वो उसके दरख्त के जो डंडे छिलके उतार लेते हैं, हाँ जो कंडे के छिलके जो है ना वो उतार लेते हैं, वो उतार लेते हैं, और कुदरत का ऐसा रंग है जो कोई बेलाद है उसको औलाद नहीं, किसको जिन है, किसको भूत है, किसको कोई बीमारी है, वो सिर्फ ये ही है जो उसके वो उतार के ना वो रगड़ा लगा के पिला दे, या थोड़ा सा लेकर कपड़े में बांध के वो बांध दे गले में, तो जो मर्ज जो बीमारी है जो हाजत है पूरी उसकी वो दूर हो जाती है, जिसकी जो में तमन्ना है उसकी पूरी हो जाती है, जो बेलादी है जिसको औलाद में उसको औलाद मिल जाती है, करने वाला तो मालिक है, अल्लाह पाक है, मकसद है, बिल्कुल है, तो वसीला तो है, वसीला है, बिल्कुल है वसीला, किसी का सहारा तो जान चल रहा है ना, ये है जो जान भी पीर फकीर के सहारे चल रहा है, लेकिन है तो ये फकीरी बूटी, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? फकरा के पीछे ये तो हर फकीर ने पिए तकरीबन, फकरी तो है ही है, उसमें कोई रमज तो होगा ही कहीं ना, भाई रमज तो जरूर होगा, ना हो तो क्यों करे, क्यों करे। मैंने किसी से सुना है, किसी मवाली से, कि जो बूटी है और जो मुताहर है और ये जो मच है, ये तीनों सरकार अर्श से लेकर आए हैं, तो समझ वाले के लिए तो सही है, जिसको समझ नहीं है उसके लिए ठीक नहीं है, जो समझ नहीं तो कोई गिला भी कर लेता है, कोई गलत भी मान लेता है, जी जी जो म्यूजिक है वो यहाँ पे कन्नड़ी माने के बाद उसके साथ जुड़े वो म्यूजिक के साथ, नहीं नहीं उसका वो तो वास्ता पहले था ना, जब उधर उमरकोट में थे ना, जब वो साईं सूफी अनायत सेठ के पास थे, ठीक ठीक वहाँ पे वो तालिब हुआ ना, ठीक है, तो उसको ऐसी लगन लगी जो और दुनिया भूल गई, बस एक महफिल मौसीकी प्रेम मोहब्बत करना और ये शायर व शायरी करना। कितनी उम्र थी उनकी उस वक्त रॉयल साइन? उस टाइम हयात के टाइम जब हयात थे, जब वो तालिब हुए हैं उस दरबार पे गए हैं, जब वो भाई है सूफी नायत के पास, किस उम्र क्या थी उनकी उस वक्त? बिल्कुल उसकी जवानी थी, शादी नहीं हुई थी उस वक्त? हाँ शादी तो हुई थी, शादी हुई थी, शादी हुई थी